कल आ गया था पाशे फिश, हमने ऑनलाइन से बुक किया था लेकिन कल मैंने ही बनाई, आज बनाऊंगी। इधर है आधा किलो पाशे फिश, इसको मैं भी पानी के अंदर डुबा के रखूंगी, तो आधा घंटा के अंदर लगभग ये मेल्ट हो जाएगा बर्फ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। देखिए अभी एक एक करके बर्फ से बाहर आ रहे, लेकिन इसका अंदर बर्फ है पूरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा रखते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स अभी बज गए सुबह का 8, तो सुबह से ही मैं मेरा ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। आज का वेदर तो मैं दिखाऊंगी, इतना कोहरा भरा हुआ है ना फ्रेंड्स, देख लीजिए, मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ भी क्लीन नहीं है, धुंधला धुंधला, पूरा धुंधला, मतलब ज़्यादा ही ठंडा है। और मेरे तो कान से हवा घुसता है, जैसे लग रहा है पूरा हवा कान पे ही जा रहा है। तो जो भी हो फ्रेंड्स, इतना ठंड हो कुछ भी हो, इंसान को तो काम करना ही पड़ेगा, अपना अपना ड्यूटी। सुबह ही बच्चे स्कूल जाने के बाद मैंने वॉकिंग लगाया, वॉकिंग लगाने के बाद मैं घर आके पहले चाय पी थी। आज योगा करने का हिम्मत नहीं हुआ था, क्योंकि हाथ पैर जैसे ये सब ना जैसे तो कैसे तो हो रहा था। बोली चलो आज योगा नहीं होगा, योगा से छुट्टी, फटाफट चाय बिठा लिया। चाय बिना मेरा हो गया, लेकिन अभी मन कर रहे और भी एक बार पीऊँ, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं पीऊँगी, थोड़ा टाइम बाद पीऊँगी। तो ओ वाला सेकेंड राउंड का चाय आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फिश काट के मैं अच्छा करके धुल लिया, और इस बार ऑनलाइन से बड़ा बड़ा फिश ही दिया। लास्ट टाइम ना छोटा वाला दिया था, छोटा नहीं एकदम मीडियम साइज़ का, लेकिन इस बार मतलब बड़ा साइज का ही दिया है, कंपेयर करूँ तो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं नमक हल्दी लगा के फ्राई कर लेती हूँ, फिर मसाला पेस्ट कर लेती हूँ। नमक हल्दी, इसके लिए ना फ्रेंड्स मुझे अलग से मसाला पेस्ट करना पड़ेगा, सरसों का मसाला, क्योंकि इस फिश के अंदर सरसों का मसाला अच्छा लगता है। इसमें ना प्याज अदरक लहसुन मुझे तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा करके लगाना पड़ेगा, जैसे पूरा फिश के अंदर नमक हल्दी जाना चाहिए। और इसके साथ मैंने कट कर लिया एक बड़ा सा आलू, हम लोग तो हर चीज में आलू डालते हैं, बड़ा सा आलू भी मैं फ्राई कर लूंगी, तो इसके अंदर ही मतलब फिश के अंदर ही मैंने आलू भी रख दिया, एक ही साथ में फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स देख लीजिए, फिश फ्राई मेरा हो गया, उसके साथ साथ मैंने नमक हल्दी लगा के आलू को भी फ्राई करके रखा। अभी मैं करूँगी मसाला, तो इसके लिए मैं सील बट्टा ले लिया, एक एक करके मसाला ऐड करूँगी। सरसों, नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, फ्रेंड्स ये मसाला मिक्सी में पेस्ट करने के बाद ना टेस्ट अच्छे नहीं आते, इसीलिए मैं सरसों ऑल टाइम सील बट्टे में पेस्ट करती हूँ, सरसों और पस्तो मतलब खचखच। फ्रेंड्स मेरी मम्मी एक बात कहती है, अगर मसाला करने के बाद सील बट्टे हम क्लीन नहीं करेंगे ना, तो सील बट्टे बहुत गाली देते हैं। फ्रेंड्स कढ़ाई में ऑलरेडी तेल है, और मैंने थोड़ा सा तेल इसमें से ऐड किया, अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सूखा मिर्ची और 5 फोरन तड़का के लिए, एक कटा हुआ प्याज, एक टमाटर छोटा सा, और अभी जो मैंने मसाला पेस्ट किया वो थोड़ा सा प्याज का पेस्ट, एक मिर्ची, नमक, हल्दी। अभी कढ़ाई के अंदर फ्राई किया हुआ पूरा मछली दे देंगे फ्रेंड्स, अभी इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखूंगी।
फ्रेंड्स उधर फिश बॉयल हो रहा है वो देखिए कढ़ाई में, और मैं लेके आ गई चाय, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अभी सूरज भगवान उग रहा है थोड़ा सा, इसीलिए ठंडा हल्का सा कम हुआ। कलकत्ता से नासिक आने के बाद ना फ्रेंड्स फिर से थोड़ा सा कोल्ड हो गया, कोल्ड छोड़ता ही नहीं है मुझे। थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ फिर से हो जाते। यार दूसरा बिस्किट देखा डब्बे में था, देखती हूँ ट्राई करके, खराब नहीं है ऐसा, मेरा नाम तो नहीं पड़ा, बिस्फन होगा शायद। बिस्किटों पर चीनी चीनी थोड़ा थोड़ा, ये देखिए चीनी लगा हुआ था तो मैंने चीनी झाड़ दिया। तो चाय पी लेती थोड़ा आराम करके। फ्रेंड्स अभी मैं फिश के अंदर डालूंगी इतना इतना सा धनिया पत्ता, ज्यादा नहीं, तो पहले धो लेती हूँ। फ्रेंड्स सरसों वाला फिश का झोल बनके पूरा रेडी हो गया, और ये फिश का झोल ही रहेगा, सूखा करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखिए फ्रेंड्स बन गई फिश की यम्मी सी सब्जी, ये देखिए। और इसका मसाला तो पूरा अलग ही है, ये तो मैं आप सबको बताई, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है फ्रेंड्स। मतलब फिश जितना छोटा होगा ना उतना टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। बच्चे स्कूल से आ गए फ्रेंड्स, देख लेती हूँ टिफिन खाए या नहीं खाए। हाँ फिनिश किया एक जन ने टिफिन। सब्जी दोनों ने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, ये देखिए इतना सुबह सुबह बनाती हूँ और ऐसा वेस्ट करता है ना तो अच्छा नहीं लगता। अभी क्या करें, ये अभी क्या हो रहा है, लहंगा मेरा दुपट्टा से लहंगा दिखाओ पहना के, कैसा करके पहनते, पहले ऐसा करना फिर एकदम लास्ट तक करना है। कर दिया फिर यहाँ पे बीच में खोल होगा, ओ उसमें गोल होगा, फिर इसके अंदर से उसको डालना है, ओ डालना है, फिर इसको बांधना है, हाँ फिर उसको छोड़ना है ऐसा। वाह अनोखा लहंगा, ये तो गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल वाला लहंगा, गोल्ड मेडल मिलेगा इसमें, ये तो मंकी का पूछ जैसे हिल रहा, मंकी का पूछ जैसे हिल रहा है ये। फ्रेंड्स मेरे छोटी गुड़िया का लहंगा पहनना खत्म ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू मेरे दुपट्टा से पहन रही है, रख रही है, पहन रही है, रख रही है, अलग अलग सब लहंगा, आप सब देखोगे पागल हो जाओगे, इतना सुंदर लहंगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा लहंगा में वो देखिए फिर से ट्राई कर रही है। अभी कौन सा स्टाइल, आसामी, ओ आसामी वाला। फ्रेंड्स जो भी हो आज मेरे ब्लॉग में इधर ही एंडिंग कर रही हूँ, फिर मिलते हो कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वाला जरूर ट्राई करना।